डुमरौन में हूं और एक विद्यालय के बाहर में खड़ा हूं, और ये जो आप गेट देख रहे हैं विद्यालय जाने का गेट है और गेट के ऊपर में मीनार बनाया हुआ है। दरअसल ये जानना है कि ये विद्यालय ही है या कुछ और है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या ये विद्यालय है भैया? नहीं, विद्यालय नहीं है, ये मदरसा है। ये मदरसा है जी। अच्छा, मतलब सरकारी, मतलब सरकार फंड से ये चलता है या प्राइवेट फंड? नहीं, ये जो है ये हम लोग का प्राइवेट संपत्ति है। हाँ। निजी संपत्ति है। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन ये सरकारी जो है, टीचर है वहाँ, स्कूल जो है। हाँ, हाँ। पहले दूसरे जगह था। हाँ। लेकिन वो वहाँ शिफ्ट किया गया है। अच्छा। लेकिन ये हम लोग को जो है निजी संपत्ति है। हाँ। और इसमें जो है हम लोग जो है हर काम यहाँ करते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं, रोजा नमाज पढ़ते हैं, जनाजा होता है तो जनाजा करते हैं, मुहर्रम का जुलूस भी लाते हैं। मतलब सरकारी विद्यालय जो था वो कहीं और था, उस सरकारी विद्यालय का सब यहाँ पे लाया गया है। तो सरकारी विद्यालय जब यहाँ पे लाया गया और आपकी निजी संपत्ति, तो आपको उसको रेंट सरकार देती है? आपको नहीं, क्यों नहीं देती है सरकार जी? आपको सरकार रेंट क्यों नहीं देती है? सरकारी रेंट नहीं देते है वो। क्यों नहीं देती है सरकार रेंट? सरकार से रेंट हम मांगे लेते ही नहीं है। तो मांगिए ना, मान लीजिए आपकी अगर निजी संपत्ति है तो सरकार से रेंट मांगिए कि आप अगर विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को किसी निजी संपत्ति में आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको उसको रेंट देना पड़ेगा। और जहां तक मुझे मालूम है कि सरकारी विद्यालय जब भी बनता है वो सरकारी जमीन पर बनता है, किसी के निजी जमीन पर नहीं बनता है। यदि निजी जमीन पर बनता है तो सरकार उसको अधिग्रहण करती है। आगे आइएगा, सरकार उस जमीन को अधिग्रहण करती है और उचित मुआवजा वहां के निजी, जिनका जमीन होता है उसको उचित मुआवजा देने का सरकार काम करती है। यदि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर अगर ये विद्यालय चल रहा है, जो मेरे आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय डुमरौन इचाक हजारीबाग जो दिख रहा है आपको, अगर ये सरकारी जमीन पर है तो सरकारी जमीन पे इस तरह का ढांचा नहीं होना चाहिए। जितना भी है हमारा डेकोरेशन है, संपत्ति खरीदारी संपत्ति है। इसका कौन सा खाता नंबर है जब बताइएगा भैया? खाता नंबर आपका, देखिए प्लॉट नंबर बताया जा रहा है 6529 है, खाता नंबर 95 है, रकबा इसमें दिखा रहा है 14 डिसमिल दिखला रहा है इसमें, है ना? और केस नंबर ये क्या है, 266/78/79 है, ठीक है ना? ये झारखंड सरकार का राजस्व भूमि सुधार है। ये कागज बतलाया जा रहा है कि यहाँ का कागज इस जमीन का कागज है, है ना? निजी संपत्ति है। यदि निजी संपत्ति है तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को यहाँ अविलंब ये विद्यालय को यहाँ से हटाना चाहिए और निजी जिनका उनको आप दे दीजिए, ठीक है? यदि ये सरकारी संपत्ति है तो निजीकरण जो हो रहा है निजीकरण को हटना चाहिए क्या? अगर सरकारी जमीन है तो निजीकरण जो ये बना हुआ है निजीकरण हटना चाहिए। स्टेटमेंट देना चाहिए। बोलिए बोलिए ना। मैं यहाँ का डुमरौन मुस्लिम समाज का सदर मोहम्मद जुबैर, और ये बहुत अरसा से स्कूल जो है हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना निजी मदरसा बनी हुई थी, जो वो मदरसा पहले बनी हुई थी उस मदरसे में पहले निजी मेरा मदरसा चलता था। शिक्षा के बारे में जब स्कूल का टीचर लोग यहाँ आए तो उनको जगह नहीं था, टीचर को जगह नहीं मिला तो उनको अपना मदरसा दिया पढ़ाने के लिए, भाई यहाँ के लोकल बच्चे हैं जो पढ़े लिखेंगे कुछ आगे बढ़ेंगे, उनको जब उसको दे दिया गया उसको पढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर जो ये अपना साइट फिर से बनाया गया अलग से अपना पैसा लगा के, वो भी बिल्डिंग जो बनी है। ये साइट कौन बनाया? ये हम लोग बनाया पूरा। ये अपना मेरा ही सब बाउंड्री वाल, ये गेट, ये सारा प्रॉपर्टी अपना मेरा है, डीड भी मेरा। हमने राज्यपाल के नाम से जमीन नहीं लिखा, हमने सरकार को कॉपरेट किया स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और सरकार ये अब चाह रही है और यहाँ का ग्रामीण जनता लोग चाह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को हड़पा जाए, यहाँ मदरसा ना चले, यहाँ तो मदरसा। मैं ये कहना चाहूंगा यदि ये सरकारी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन नहीं, सरकार किसी तरह का मुआवजा आपको नहीं दी है, जैसे आपके अनुसार, आपके अनुसार ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार आपको एक रुपया का मुआवजा नहीं दिए, आप शिक्षा के लिए सरकार को दिए थे बढ़ावा दिया हमने, तो लिखित नहीं दिए थे सरकार को, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है राजकीय, सामने लगे राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय डुमरौन इचाक हजारीबाग, मतलब कि यहाँ पर जो भी आते होंगे वो सरकारी टीचर आते होंगे, जरा बताइए जानकारी दीजिए, सरकारी टीचर आते हैं? हाँ। और यहाँ पे जो है मेरा सारा जितना मुहर्रम, बकरीद, ईद, हाँ। मरनी, जीना, हाँ। जितना तरह मेरा त्योहार है सब हम यही करते हैं। बस सरकारी टीचर जो आते हैं उसको तनख्वाह कौन देता है? आप लोग देते हैं? सरकार दे रही है और तनख्वाह सरकार दे रही है। एक मिनट दिखाइए, इस गेट को भी दिखाइए। देखिए इनका कहना है कि दो गेट ही रखे हैं। एक गेट कहना है कि सरकारी विद्यालय, देखिए प्रॉपर्टी एक ही है, सरकारी कर्मी जो आएंगे शिक्षा देने के लिए उनको इस गेट से इंटर करना है इनके अनुसार, और एक गेट यहीं पर बना के रखे हैं। ये गेट से वही लोग जो आएंगे जो इस मदरसे के हैं मालिक, जिनका ये पेपर है, जिनका ये जमीन है, जिनका ऑथराइज है, उनके लिए ये गेट है। मतलब एक ही प्रॉपर्टी में घुसने का मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से वहां का डिस्टेंस मुश्किल से 25 से 30 फीट का होना चाहिए, 30 फीट का होगा इस 30
30-35 फीट होगा भाई, 30-35 फीट में दो गेट बना हुआ, एक है कि भाई जो मदरसा में अपना जो निजी कार्य जो करते हैं, बकरीदिया जो भी आप लोग फेस्टिवल मनाते हैं उसके लिए लोग आते हैं, और जो शिक्षक आते हैं उनके लिए गेट है। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी बात विवाद पूरे हजारीबाग में और अखबारों में चल रहा है, इस बात विवाद को खत्म करने के लिए दो ही चीज होना चाहिए, आइदर जिनका ये प्रॉपर्टी जो दावा कर रहे हैं इसका जांच कीजिए, इनका प्रॉपर्टी इनके हक में दीजिए। अब ये सुनिश्चित करेंगे इस प्रॉपर्टी को किसको देंगे किसको नहीं देंगे, और यदि ये सरकारी प्रॉपर्टी है तो इस पर पूरा वर्चस्व सरकार का होना चाहिए, ये क्लियर सरकार करे कि प्रॉपर्टी किसकी है, या शिक्षा पदाधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और इस चीज को क्लियर कीजिएगा, ताकि जो दो समाज है, जो हिंदू और मुस्लिम है, दोनों के बीच में जो बात और विवाद चल रहा है, सरकारी विद्यालय में आखिर इस प्रकार का जो मीनार बना दिया गया है, ये मीनार क्यों बनाया गया है, ये विवाद है, कह रहा है कि विवाद दूसरा पक्ष कह रहा है कि विवाद नहीं बनना चाहिए। देखिए कह तो रहा है वो भी सही, अगर सरकारी प्रॉपर्टी दूसरा कहना बिल्कुल सही है। मैं क्या बोला कि इसका जांच कीजिए, अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आपको देना चाहिए, बोलना चाहिए खुल करके, सभी पेपर मीडिया सब छापेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है आपका है, इस मुस्लिम समाज का है ये प्रॉपर्टी, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी जब इस मुस्लिम समाज का किसी पर्सनल व्यक्ति का है तो बिना मुआवजा दिए क्यों लिखवाए भाई, क्या जरूरी था लिखना राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय, ये लिखना क्या जरूरी था आपको, क्यों लिखा है, या सरकारी टीचर आके क्यों शिक्षा देगा, सरकारी विद्यालय बनाइए, आपके पास बहुत सरकार को बहुत जमीन है, आप सरकारी शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय कहीं भी बनाई वहां दीजिए, ये बात और विवाद क्यों फिर। इसीलिए इस जिसका जांच होना चाहिए, यदि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकारी स्कूल का जो नामकरण यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, सरकारी शिक्षक इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये प्राइवेट आदमी का प्रॉपर्टी, प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी होना चाहिए। यदि सरकार का जमीन है तो इस तरह का जो मीनार बना हुआ है या इस तरह का जो बात हो रहा है कि सिर्फ एक ही पक्ष का है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षा जहाँ पे कोई ग्रहण करते हैं, उर्दू विद्यालय हो या कोई विद्यालय हो, उसमें किसी एक समाज का पैसा से नहीं वो शिक्षा को पेमेंट मिलता है, उसमें सिख समाज भी पैसा देता है, टैक्स देता है, हिंदू समाज भी देता है, जैन भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, सभी के टैक्स से उनको वेतन मिलता है, इसलिए सबका फिर हक होता है। इसलिए बात करना चाहता हूँ, इस पेपर को क्लियर किया जाए, मैं कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सारे पेपर को लगाऊंगा, इसका मैं फोटो भी ले रहा हूँ और आप तक इस जानकारी को दूंगा। कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने अपने खुशी से सब स्कूल को चलाने के दिया, लेकिन दूसरा हिंदू समाज का पक्ष जो इस तरह का अफवाह फैला करके मीडियाबाजी पेपरबाजी कर रहा है, ये सरासर गलत है। और ये मेरा पूरा अपना कैंपस है, मेरा सारा त्यौहार यहीं होता है, और अगर ये बनाने से उनको त्यौहार जब यहीं होता है तो आपका पेपर रेडी हुआ था, त्यौहार आप कीजिए कि वो जो स्कूल का है उसमें एक भी कोई तरह का झंडा या कोई विवादित किसी प्रकार का कुछ लगाया क्या हमने? नहीं, विवादित आपने नहीं लगाया झंडा, लेकिन विवाद देखिए विवाद क्या हो गया ना, ये जो मीनार आपने बना दिया ना, विवाद इस बात पे हो गए कि मीनार रखे, ये मेरा अपना धार्मिक स्थल जगह ना, मेरा यहाँ सारा यही बात कर रहा हूँ। यदि ये धार्मिक स्थल है, सिर्फ धार्मिक स्थल है तो आपका पेपर तो आपका धार्मिक स्थल है, आप कीजिए, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी अगर है तो फिर गलत है। इसीलिए मैंने इसको कागज को भैया ने दिया है, इसका मैं फोटो भी ले रहा हूँ, और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार उच्च शिक्षा पदाधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, इस पे जांच अनिवार्य है, डीसी मैदर तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और ये जांच करें, अगर इनकी संपत्ति है तो खुल के ये जांच सभी मीडिया में सब जगह होना चाहिए, सार्वजनिक पूरे समाज के सामने होना चाहिए कि ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष का ये प्रॉपर्टी है, उन्होंने कि अनुदानवश एक सरकार को एक जगह दी थी जाकर शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल, तो इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा। यदि सरकारी स्कूल है, सरकारी जमीन है तो मीनार 100% गलत, मुंह पे इनको बोल रहे हैं और ये भी बात को बोला गलत है। यदि प्राइवेट जमीन इनका और दिए है तब फिर कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन तब ये चीज होना चाहिए कि सरकारी स्कूल आइए यहाँ से और सिर्फ कहीं और दीजिए, या फिर स्कूल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तब फिर अनुदान देना, पेपर अनुदान होता है, सुने, सरकार को जांच करना है, वो जांच करे, जो सही पाया जाएगा उस पर कार्य होगा, सीधा सीधी बात यही है। इसमें आपस में मैं दोनों समाज से यही कहना चाहता हूँ कि सबको यही रहना है, आपस में कोई उलझन पैदा ना करें, सबको इसी सरकारी ये जमीन है कागजात, और इस कागजात के माध्यम से सरकार इसको जांच करे, अगर स्कूल सरकारी और अनुदान दी हुई है
वो बाय स्वेच्छा अपना अंडर ले सकता है, और अगर जमीन प्राइवेट मुस्लिम समाज का है वो जमीन छोड़ करके कहीं और स्कूल को शिफ्ट करे, और हमको कोई आपत्ति नहीं। यही बात कर रहे हैं, अगर सरकारी है तो सबका है और प्राइवेट तो आपका है, जान का विषय है। हम तो अरे पढ़ाई लिखे का फारसी क्या सुन भाई, पेपरवा का सरकार से पूछेंगे, वही बात तो बोले दिया, वही बात हम बोले दिया, सरकार ने सरकारी फंड कहाँ मिलेगा, सरकारी स्कूल कहाँ, अगर सरकारी स्कूल अगर है सरकारी फंड मिल रहा है आप स्कूल को उठाइए दूसरे जगह शिफ्ट कीजिए, भी कर रहे अपना बाप का प्रॉपर्टी है, मेरा जमीन है मेरा स्कूल ऐसी उठा दीजिए, उसके बाद अरे तो जगह हाथ तक पेपर दिखाना रे, जांच करे, जनता भड़काने वाली बात करता है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 साल बताया।